दिल्ली में मठिया महल विधानसभा के अंतर्गत तकिया गालेखां क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता आजकल भीषण गर्मी से बूंद बूंद पानी को तरस रही है। जल बोर्ड भी जनता को ठेंगा दिखा रहा है। 3 साल से पानी की समस्या से जूझ रही गरीब जनता की कोई मदद करने के लिए आगे भी नहीं आ रहा है। तकिया गालेखां के विधायक आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल भी नेतागिरी करते हुए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या वोट की यही कीमत है कि जनता से झूठे वादे करके वोट लेकर जीतो, फिर पीठ दिखाकर जनता को अपने रहमो करम पर छोड़ दो। अब इलाके की गरीब जनता ने 3 साल में कई बार अपनी शिकायत विधायक तक लेकर गए, लेकिन सुनवाई तो दूर, ऑफिस से नदारद मिलते हैं। इनके इस रवैया से परेशान होकर जनता ने विधायक और जल बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी भी किया। लोगों की नाराज़गी इस बात से थी कि नेता केवल आप पार्टी का नारा, आपका विधायक आपके द्वार पूरी तरह से झूठा और नकारा निकला। मुख्यमंत्री से विधायक तक सब झूठ बोलकर वोट मांगते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता का कहना है कि हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। सरकार समझे कि जल ही जीवन है और पानी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, जिसके बिना जीवन अधूरा है। विधायक नहीं तो दोनों सरकारों को इस क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहती है क्षेत्र की जनता। अभी तक तो हमारी कहीं से सुनवाई नहीं है जी सर, परेशान है पानी के लिए। हम तो यही चाहते हैं सर कि हमें हाथ जोड़ के हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि हमें प्लीज़ पानी दे दीजिए। पानी तो हम 3 साल हो गए, हम लोग इतने परेशान हैं, और एक के घर में आता तो दूसरा बैठता पानी के लिए। हम 3-3 बजे बैठ के रात को सुबह से इंतज़ार करते हैं कि तुम्हारा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम लोग बैठेंगे, रातों को जगना पड़ता है पानी के लिए। नहीं आता है तो ठेले ले लेके कभी कोई कहीं जाता है, कभी बच्चों को ले के। सरकार का तो कहना ही है कि जहां घर को पानी 20 लीटर नहीं मिल रही, हम तो नहीं मिल रहा है, हमें पीने का भी नहीं मिलता है, हमें कोई पानी नहीं मिल रहा है। हमें आज 3 साल से परेशान है, 3 साल से हमें यहाँ के भी 2 चक्कर लगा चुके, ये गेट होता है बंद, हमें बाहर के बाहर ही लौटाल देता है, ये हमारी कोई भी नहीं सुनते। और आज हम यहाँ पे भी आए हुए, ये आज भी हमारी इन्होंने सामना नहीं किया, ना हमसे कोई बात कर रहा है, हमें आज भी भगा रहे हैं जल बोर्ड पे। जितेश भाई से मिले, जितेश भाई ने हमसे कोई बात नहीं करी, वो हमसे ये कह रहे हैं क्या नाम के, हम किसी के बारे में कोई पानी नहीं है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, जाओ यहाँ से। और कितनी भी जाओ, कितनी भी औरतें बुला लो, किसी बुला लो, हम आपकी कोई भी पानी की कोई भी सुनवाई नहीं सुनेंगे। विधायक जी जब से विधायक जी ने विधायक की संभाली, जब से इस एरिया में विधायक जी आए नहीं है, मठिया महल विधानसभा के शोएब इकबाल साहब, कभी उन्होंने रोड नहीं लगाया न कुछ करा। हाँ, कोई सहमत नहीं है। आम आदमी पर सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इन्होंने क्या आश्वासन दिया है जनता को कि भाई हमारी कैपेसिटी उतनी है। अरे एक मिनट, उनकी कैपेसिटी पानी की इतनी है, आपकी जनता बढ़ रही है। भाई जब जनता बढ़ रही है तो पानी की व्यवस्था कौन करेगा? दिल्ली सरकार करेगी ना, हमारा MLA करेगा। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए, इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वारिस भाई और हम लोग इनके चक्कर लगा लगा के थक गए, मजबूरन में हमें लोगों को आज ये कदम उठाना पड़ा है। अगर इन्होंने 2-4 दिन में बात नहीं मानी तो शोएब इकबाल के खिलाफ हम लोग धरने पे भूख हड़ताल करने को बिल्कुल तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और पानी चाहिए। मेरा नाम बारिश है, मैं तकिया गालेखां से प्रधान हूँ जी। देखिए, जल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि हम आपकी बात अपने ना सीनियर जो हमारे अफसर हैं उनसे कहेंगे, और आपके इलाके के जो विधायक हैं उन तक है ना आपकी बात पहुंचाएंगे कि हमें तो पता नहीं था इतनी समस्या है पानी की। जबकि मैंने कहा, मैं तो आपसे हर हफ्ते में 2-3 बार आके कहता रहा के इलाके में पानी की एक बहुत गंभीर समस्या है, लोगों को पानी पीने का मैसर नहीं हो रहा। मैं अभी अधिकारियों के आश्वासन से किसी भी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि धरातल पे कुछ और होता है, बयानबाजी कुछ और होती है जी। जी जी
जी देखिए, मैंने ना कुछ देर पहले भी यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं मेरे और मेरे जैसे कार्यकर्ता और नेताओं की गलतियां हैं, कमियां हैं, जिसकी वजह से ये पानी नहीं मिल पा रहा। वरना केजरीवाल जी की तरफ से किसी भी तरीके से शिक्षा वगैरह किसी में भी कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का ये रोल होता है कि विधायक की एक टीम होती है जो एक इलाके में कवर करती है कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं। वो विधायक की टीम जाकर कह देती है जी वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। वो टीम किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही है, इतना लोग परेशान हैं जिसका जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। टीम जाके कह देती, देखिए विधायक जी तक हमारी बात जहाँ तक मैं मानता हूँ रोज़ाना पहुँच जाती होगी, जिस तरीके से हम ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं। तो ये बात कहने की नहीं है कि हमारी बात है ना विधायक जी के, उसके बाद भी हमारा ना जाने क्यों लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं।